हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसपी ट्यूब में। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे और लिखेंगे आधार कार्ड डाउनलोड। आधार कार्ड डाउनलोड लिखने के बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और ये पहला लिंक पे गेट आधार पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों, आप udid.government.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है माई आधार, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड आधार, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आधार नंबर। तो दोस्तों, हमको इनरोलमेंट आईडी से आधार कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि आपके पास आधार नंबर नहीं है, आप नया बनवाए हुए हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर जारी किया गया है उससे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मांग रहा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इनरोलमेंट आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 28 डिजिट का नंबर मांग रहा है। यहाँ पे लिखा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, तो ये आपको 28 डिजिट मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है 28 डिजिट इनरोलमेंट आईडी, और आप रसीद में देख रहे हैं तो यहाँ पे 14 अंक का दिख रहा है, तो आप 28 अंक कहाँ से डालेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको बताऊंगा कि आप 28 अंक का इनरोलमेंट आईडी कैसे डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आप सबको डाल के दिखाता हूँ और आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो आइए डालते हैं। ये आप 14 अंक का इनरोलमेंट आईडी डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें डालना है तिथि, यानी कब का बना है, कि कौन से तारीख को बना है। तो दोस्तों, ये जो आपको डेट लिखा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे डालना है हमको सन, जैसे कि मान लीजिए आज का डेट है 4/9/2022, तो हमको डालना है पहले 2022, ठीक है। उसके बाद महीना डालेंगे, जो माह चल रहा है आपके रसीद पे, जो माह का डेट दिया गया है वो माह डालेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद घंटा, मिनट और सेकंड। तो ये ध्यान पूर्वक हमारी आवाज़ को आप सुनिएगा और उस हिसाब से डालिएगा, तभी ये आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो पाएगा, नहीं तो गलत बता देगा, ठीक है। तो आइए मैं डाल के दिखाता हूँ कि पहले क्या डालेंगे, ठीक है। पहले डालेंगे सन, जो सन का ये बना है, तो 2020 का बना है तो 2020 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथ डालेंगे, तो 10वां महीना का बना है तो 10 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद किस डेट में बना है वो डेट डालेंगे, तो 6 तारीख को बना है तो 06, ठीक है। उसके बाद घंटा डालेंगे, मतलब कितने बजे का बना है, तो 11 बजे का बना है। उसके बाद कितने मिनट पे बना है, तो मिनट डालेंगे, 11:34 पे बना है और 39 सेकेंड, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया। इसको डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, इसमें इंटर कैप्चर, ठीक है। तो इसमें भरेंगे, दोस्तों ये कैपिटल लेटर में होगा तो कैपिटल भरेंगे और जो स्मॉल में होगा वो स्मॉल में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा इनवैलिड कैप्चा बता दिया, ठीक है। तो फिर से कैप्चा को ट्राई करेंगे,
फिर से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच्ड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपका जो रजिस्टर नंबर है आधार पे, फ़ोन नंबर, उस पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। आप ओटीपी देख के अपने मोबाइल में यहाँ पे इंटर ओटीपी में फिल कर देंगे। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं आपको भर के दिखाता हूँ। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया और ये हमारा आधार कार्ड यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो इन फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये पासवर्ड रिक्वेस्ट, मतलब ये जो आधार डाउनलोड हुआ है, ये सिक्योर पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, तो मैं ये आपको बताता हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है। इसका पासवर्ड आपका नाम का पहला चार वर्ड, जो भी आपका नाम हो उसका पहला चार वर्ड कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ का सन, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2020 है तो 2020 इंटर करेंगे। तो आइए इसमें डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। नाम का पहला चार वर्ड डालेंगे, तो आइए डालते हैं, और सन डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ का सन, और यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा आधार डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये हमारा जो पीडीएफ फाइल था वो अनलॉक हो चुका है, ठीक है। तो यही आपका पासवर्ड है जो मैंने बताया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, जय हिंद।